नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बेटर चल रही होगी और आप लोग काफी अच्छे फील कर रहे होंगे। आज हम जिस मुद्दे की बात करने वाले हैं वो दरअसल 67th, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 67वीं का रिजल्ट आने के बाद से मैं आप लोगों के लिए मेंस का क्लास रेगुलर दूंगा, तो उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 67वीं बिहार PCS मेंस का पूरा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। हालांकि इससे पहले मैंने थोड़ा उसका ओवरव्यू आप लोगों को दे दिया था, लेकिन अभी जो है कि हम पूरा डिटेल्स में इसको देखेंगे। मैं अपने साथ जो है कि पेपर्स को भी लाया हूं, उसके अलावा मैं हर एक पॉइंट्स को डीपली समझते हुए चलेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन आपका बरकरार ना रहे और आप लोग जो है कि अच्छे से अपने प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकें। मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोगों का प्रिपरेशन काफ़ी जो है कि मजबूत हो जाए ताकि जब आप पेपर में बैठें तो आपको क्वेश्चन देखते ही उसका जो है कि ओवरव्यू और उसका जो सेंट्रल पार्ट है वो आपको पता चल जाए कि हमें क्या लिखना है। और इसमें फ्लो चार्ट और माइंड मैप की अगर मैं बात करूं, आप लोग बनाते होंगे, लेकिन फ्लो चार्ट और डायग्राम्स मैं जो है कि आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ पे कैसे आपको लगाना है या कैसे बनाना है, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखाऊंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है कि हमारे क्लास से जुड़े रहेंगे और रेगुलर जो है कि हमारे क्लास को देखेंगे ताकि आपको इसका फायदा हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेल बटन को भी दबा लीजिए, जिससे अगर कोई हम वीडियो डालें यहाँ से आपको तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप लोग जो है कि अपने पास जो है कि लिखने का सारा मटेरियल रखे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा, क्योंकि मैं एजुकेटर हूँ तो मैं ये तो उम्मीद करता हूँ, और आप एस्पेरेंट्स हैं तो आप भी को भी ये विश्वास होना चाहिए कि हमारे पास जो है कि वो सारे मटेरियल अवेलेबल हैं। तो आइए सीधे हम लोग चलते हैं सिलेबस पर, बात करते हैं कि 67वीं बिहार PCS मेंस का जो सिलेबस है वो कितने टुकड़ों में बटा हुआ है। तो देखिए, सिलेबस में चार हिस्से होते हैं, जिसमें आपका GS फर्स्ट होता है, GS फर्स्ट के बाद से आपका जो है कि GS सेकंड का पेपर होता है, इसके बाद से जो है कि एक पेपर होता है हिंदी का जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है और ये बिल्कुल कंपलसरी होता है, इसके अलावा एक आपका जो है कि और पेपर होता है जिसको हम लोग ऑप्शनल बोलते हैं, और इस ऑप्शनल में कई जो है कि आपके सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, कई ऑप्शनल में कई ऑप्शनल आते हैं, सिलेबस सॉरी मैं वहाँ पर गलत बोल रहा हूँ कि सिलेबस बट ऑप्शनल कई आते हैं, जैसे आपका मैथ ले लीजिए ऑप्शनल, हिस्ट्री ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, LSW ले लीजिए। जो मेरा ऑप्शनल है मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, मेरा ऑप्शनल LSW है, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, श्रम एवं समाज कल्याण। उस पर हम जो है कि बात करेंगे, क्योंकि मैं मेरा कोई और ऑप्शनल नहीं है, मैं इसी ऑप्शनल को आप लोगों को पढ़ाऊंगा और इसी ऑप्शनल पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है कि GS फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो GS फर्स्ट जो है आपके तीन सेक्शनों में बटा हुआ है, यानी कि खंड, तीन खंड में बटे हुए हैं, जिनमें पहला जो सेक्शन होता है वो हिस्ट्री का होता है, और इसमें हिस्ट्री से जो है कि आपको तीन क्वेश्चन करने होते हैं और ईच क्वेश्चन जो है 38 मार्क्स का होता है, यानी कि 38 × 3 आप कर लेंगे तो आपके मार्किंग जो है कि हिस्ट्री का निकल जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो सेक्शन है वो है IR का, इंटरनेशनल रिलेशन, जिसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध बोलते हैं, और इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध से भी आपको तीन क्वेश्चन करने होते हैं और इस क्वेश्चन आपका जो है कि मार्किंग होती है 38 नंबर का। अगर 38 को जो है कि आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका IR का सेक्शन का पूरा निकल जाएगा। इसके अलावा DI, डाटा इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूं तो ये खंड 3 में आता है, और इससे आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें जो है कि 36 मार्किंग जो है कि ईच क्वेश्चन के लिए आपको दिया जाता है, यानी कि 72 मार्क्स के आपके जो है कि पेपर होते हैं ये। अब तीनों मिलाकर जो है कि इसकी अगर मैं बात करूँ तो 300 मार्किंग का ये पेपर होता है, और 300 मार्किंग में आप GS फर्स्ट में कितना मार्किंग कर पाते हैं कि आपका पेपर जो है कि अच्छा माना जाता है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि अगर GS फर्स्ट में अगर 300 की मार्किंग है तो आप लोग जो है कि इसमें से मिनिमम जो है कि 170 से लेकर 185 के आसपास अगर अराउंड आप रहते हैं तो आप काफ़ी बेटर फील करेंगे, क्योंकि ये मार्किंग जो है ना कि आपको जो है कि मेंस को क्वालिफाइंग करने के लिए काफ़ी जो है कि महत्वपूर्ण है। अगर इससे कम आप आते हैं, मान लेते हैं हम कि 145 से लेकर 165 तक आप रहते हैं, तो भी ये भी मार्किंग जो है कि एक अच्छी मार्किंग है, इतनी खराब बुरी मार्किंग नहीं है, लेकिन आपको मेरिट में अच्छा जो है कि आपको अगर BAS का पोस्ट आपको लेना है तो उसके लिए आपको ये वाली मार्किंग करनी ही पड़ेगी,
क्योंकि अगर ये वाली मार्किंग नहीं करेंगे तो आप सोचें कि हमें डीएसपी या एसडीएम का पोस्ट मिल जाएगा तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ये वाली मार्किंग करते हैं तो आप जो है कि एक नॉर्मल लेवल में बिल्कुल सही हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। इसके बाद से हम आते हैं जीएस सेकंड पे, यानी कि जनरल स्टडी जो सेकंड है उस पर हम बात करते हैं। तो जनरल स्टडी सेकंड में जो पहला पोर्शन है, यानी कि खंड तीन होते हैं, इसमें भी सेक्शन तीन होते हैं, और जिसमें जो है कि पहला सेक्शन जो है इंडियन पॉलिटी का है, और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आपको तीन क्वेश्चन करने होते हैं, और तीन क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ईच क्वेश्चन इज 38 मार्क्स। तो 38 मार्क्स का आपका जो है कि एक क्वेश्चन होता है, आप तीन से मल्टीप्लाई करके वहां से निकाल सकते हैं कि कितने मार्किंग का है। इसके अलावा खंड जो है कि आपका सेकंड है, यानी कि सेक्शन सेकंड जो है, इसमें भी आपको तीन क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स प्लस सीए यहाँ पे इसलिए लिखा हूँ क्योंकि अर्थशास्त्र के अलावा अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर में भी जो है कि आपकी हिस्सेदारी होती है, इन दोनों को मिला के जो है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपका करंट अफेयर मजबूत नहीं है और इकोनॉमिक्स केवल आपको आता है तो आप उस प्रश्न को जो है कि सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उसकी भूमिका में आपको जो है कि थोड़े से मटेरियल डालने होते हैं वो करंट वाले, फिर उसका जब कंक्लूजन आपको लिखना होता है तो वो भी जो है कि उसमें भी आपको थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। तो उसको जो है कि अगर आपको नहीं पता है ये करंट अफेयर, तो आप जो है इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से नहीं लिख पाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक्स प्लस करंट अफेयर को जो है कि ऐड किया हुआ है, ताकि आप अपने जो है कि जो क्वेश्चन लिख रहे हैं, अगर मुख्य सॉरी भूमिका लिख रहे हैं, भूमिका में भी आपको दर्शाना होगा, फिर उसका सेंट्रल पार्ट जब लिख रहे हैं मुख्य भाग लिखेंगे तो उसमें भी आपको यह दर्शाना होगा, उसके बाद से उसका जब कंक्लूजन लिखेंगे उसमें भी आपका करंट अफेयर को नीचे थोड़ा बहुत मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर केंद्र सरकार के द्वारा अगर कोई योजना चलाई गई है इस संबंध में तो उसके जो है कि पहलू को आपको लिखना पड़ेगा। थर्ड जो सेक्शन है, तीसरा सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो तीसरे सेक्शन साइंस एंड टेक और प्लस सीए, इसमें भी मैंने सीए इसलिए लिया है क्योंकि वर्तमान में अगर करंट अफेयर का कोई भी चीज है, जैसे गगनयान के बारे में पूछ दिया आपसे, तो गगनयान से रिलेटेड अगर वर्तमान में कोई भी चीज चल रही है तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को लिखने में, तभी आपका क्वेश्चन का आंसर जो है प्रभावशाली होगा, वो एग्जामिनर जैसे पढ़ेगा उसके ऊपर एक प्रभाव छोड़ेगा और वो अच्छा मार्किंग करके आपको जाएगा। लेकिन अगर आप इस करंट अफेयर को नहीं लिखते हैं, नहीं करते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपसे ये बता दूं कि साइंस एंड टेक आप अपना बेहतर नहीं कर पाएंगे, जहां से आपकी मार्किंग कटने की संभावना काफ़ी रहती है। वैसे भी जीएस सेकंड के पोर्शन में अगर मैं बात करूं तो मार्किंग एवरेज ही होती है, ज़्यादातर मैं देखा हूं कि 125 से लेकर 145 और मैक्सिमम गया तो 165 तक ये जाता है। इसके अलावा रेयर है कि आपका जो है कि 185 चला जाए, वो रेयर केस है। अगर उतना चला जाता है तो ये सब इसका मतलब है कि उस लड़के ने जिसका 185 नंबर आया है उसने काफ़ी मेहनत किया होगा, तभी जो है कि वो 185 लेकर आया है। लेकिन जो एवरेज मार्किंग है 115 से लेकर 125, 145, 165 मैक्सिमम जाता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको इसको बेहतर करना है, अगर आप जो है कि अच्छा पोस्ट लाना चाहते हैं, रैंक अच्छा लाना चाहते हैं, अगर मैं मान लूँ कि अंडर 50 अपना रैंक लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जो मैंने ये जो सेक्शन बताए हैं करंट अफेयर के, जो सेक्शन बताए हैं मैंने, इन करंट अफेयर के सेक्शन को आपको मजबूत करना पड़ेगा, तभी जो है कि आपका जो है कि रिटर्न में मार्क्स ज़्यादा आ पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं इसमें अगर 185 मार्किंग आपको लाना है तो सबसे पहले मुख्य भूमिका के साथ आपको करंट अफेयर के कुछ हिस्से को दर्शाना पड़ेगा, उसके अलावा सेंट्रल जो पार्ट है मुख्य भाग है उसको भी दर्शाना पड़ेगा। उसके अलावा मैं बात करूं जब आप कंक्लूजन लिखते हैं, निष्कर्ष लिखते हैं, तो उसमें भी आपको करंट अफेयर के कुछ हिस्से को दर्शाना पड़ेगा, तब आप बेहतर जो है कि कर पाएंगे और आपकी मार्किंग जो है 185 आ सकती है, ये उम्मीद है। अगर ये आप अपना जो है कि इतनी मार्किंग लाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो रैंक आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो रैंक जो है आपका अंडर जो है 15 मान के चलिए, आपके अंडर 50 के अंतर्गत ही आप रहेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें भी आपके जो है कि 6 क्वेश्चन, 3, 3, 6 और 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से साइंस एंड टेक से करना पड़ता है। टोटल आपको 8 क्वेश्चन जो है यहाँ से करने पड़ते हैं, जो कि आपका 300 मार्क्स का होता है, और 300 मार्क्स में से आप जो है कि अगर 185 ला देते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहद है, और आप जो है कि एसडीएम का पोस्ट जो है कि बीएएस का पोस्ट आपको मिल सकता है आसानी से।
तो यहां से अगर इतनी मार्किंग करते हैं तो काफी अच्छी मार्किंग हो गई। बट जीएस सेकंड में जो है कि ज्यादातर मार्किंग जो है 125 से 145 के बीच ही रहती है, यही आपका एवरेज मार्किंग है, क्योंकि ये जो है कि काफी सेंसिटिव और मैं कहूँ कि काफी जो है कि कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, जिसपे जो है कि लोग लिख तो लेते हैं लेकिन वो एग्जामिनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से मार्किंग जो है कि कम हो पाती है। इसके अलावा मैं हिंदी की मैं बात करूँ तो हिंदी में जो है आपका 100 मार्किंग का होता है, ये 100 मार्क्स का होता है, और 100 मार्क्स में जो है आपके 33% जो है मार्किंग जो है आपको इसमें करनी होती है। अगर इससे कम आपने की तो आपका जो है कि आगे की कॉपी जैसे जीएस सेकंड ऑप्शनल या जीएस फर्स्ट जो है आपका चेक ही नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहीं पे फेल कर जाएंगे, क्योंकि आपने 33% अगर मार्किंग नहीं लाए तो आपको फेल मान लिया जाता है, इसलिए आपकी आगे की कॉपी चेक ही नहीं होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हिंदी में भी आपका जो है कि कम से कम 35% मार्क्स तो आ ही जाए, ताकि आप आसानी से जो है कि क्वालिफाई कर जाएं। बहुत सारे बच्चे जो है इस हिंदी में भी फेल होते हैं, तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप कोशिश करिए कि हिंदी में भी आपका जो है 35% मार्क्स आसानी से आ जाए। अब मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शनल पे आते हैं। ऑप्शनल के बारे में मैंने बताया कि मेरा LSW है, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, उस पर हम चर्चा करेंगे। इससे जो है कि आपके 38 नंबर का ईच क्वेश्चन होता है और सारे क्वेश्चन आपके 6 क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको करना होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप सबसे यही कहूंगा कि 38 अगर मार्क्स का आ रहा है, अगर आपका LSW है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका ये बेहतर हो सके, क्योंकि LSW का जो है कि क्लास काफ़ी लोग महंगे बेच रहे हैं आज के डेट में। चूँकि मैंने जो है कि सेल्फ स्टडी किया है तो मैं चीज़ों को मैं जानता हूँ कि किस तरीके से जो है कि पढ़ना चाहिए। अब मैं चलता हूँ थोड़े से पॉइंट्स को आप लोगों को बुक्स मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं पेपर जो हमारा 66 का मेंस हुआ था उसका जो है मेरे पास पेपर अवेलेबल है, तो मैं आपको वो चीज़ें दिखाता हूँ। पहले जीएस फर्स्ट को दिखाऊंगा, उसके बाद से जो है कि आपको ऑप्शनल और हिंदी तक चलेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि खंड फर्स्ट एंड खंड सेकंड में 3-3 प्रश्न है, तथा खंड 3 से जो है कि 2 प्रश्न, यानी कि टोटल 8 प्रश्न आपके करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है कि खंड फर्स्ट और सेकंड का 38 नंबर का होता है और खंड थर्ड का जो है कि 36 नंबर का होता है ईच क्वेश्चन। तो आप लोग यहां से देख सकते हैं, और 300 मार्किंग का पेपर है। इसमें पहला सेक्शन जो है आपका हिस्ट्री का है, और सेकंड जो है आपका सेक्शन मैंने यहां पे IR का बता दिया है, इंटरनेशनल रिलेशन का है, और थर्ड सेक्शन जो है आपका DI का है, जो मैं यहां पे ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुका हूं। तो ये फर्स्ट पेपर का है और ये 66 का है जो है कि मेंस का पेपर है। इसके अलावा मैं आप लोगों को जीएस सेकंड की अगर मैं बात करूं तो जीएस सेकंड में फर्स्ट और सेकंड खंड में 3-3 प्रश्न दिए हुए हैं, और थर्ड में जो है 2 प्रश्न करने हैं आपके, और ये भी 300 मार्क्स का है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि इंडियन पॉलिटी का हिस्सा है ये, उसके बाद से जो है इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर का खंड सेकंड का है, और थर्ड का अगर मैं बात करूं तो साइंस एंड टेक का है, आप लोग देख सकते हैं ये। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपको कि हमारा जो ऑप्शनल है LSW का लेबर एंड सोशल वेलफेयर, समाज श्रम एवं समाज कल्याण, उसमें देख सकते हैं आप लोग कि प्रत्येक खंड से 3 प्रश्नों को चुनते हैं, 6 प्रश्नों को उत्तर देने होते हैं, जो ईच प्रश्न जो है आपके 38 मार्क्स के होते हैं और 300 का मार्किंग होती है आपकी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हिंदी का जो है कि आपके पास ये है हिंदी, और ये हिंदी 100 पूर्णांक का है, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें जो है कि जितने भी प्रश्न हैं अलग अलग देते हैं, जैसे कि अगर ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है, तो निबंध आपका 30 मार्क्स का होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये 15 मार्क्स के हैं, और इसके बाद से ये जो है कि आपका सूद एवं असूद जो है कि 10 मार्क्स के हैं, ये बातें हैं। बाकी आगे इसी तरह है, आप लोगों को करना होगा ये सारी चीज़ें। आप लोगों को जब आप देने जाएंगे 67 का मेंस तो आपको पता चल जाएगा। मैंने इसलिए आप लोगों को दिखा दिया ताकि आप लोग सेटिस्फाइड हो जाएं कि मेंस में आखिर पूछता क्या क्या है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा हिस्ट्री का पोर्शन है, इस हिस्ट्री के पोर्शन में पहला जो खंड है, इस खंड में क्या क्या पूछा जाता है उस पर हम चर्चा करेंगे, और IR में क्या क्या पूछा जाता है उस पर चर्चा करेंगे, DI में क्या क्या पूछा जाता है उस पर चर्चा करेंगे, और मैं ऑप्शनल के लिए LSW के लिए एक दिन जो है कि आपका पूरा जो है कि उसके सिलेबस का डिस्कशन करूंगा, जिसमें मैं जो है कि उसका एक्ट जितने भी है, जैसे कि मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट है, मातृत्व हित लाभ अधिनियम है, उस पर भी चर्चा करेंगे। जितने भी एक्ट हैं, कुल 11 एक्ट हैं हम लोगों को पढ़ना है, जो 4 कोड बिल में पारित हो चुके हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे।
उसके बाद से जो है कि हम इसके बारे में, इसके एक एक खंड के बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या जो है कि यहाँ से कहाँ कहाँ से आता है, तो उस पर भी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पीछे जो मैंने बताया वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और अब हम जो बात करने वाले हैं, जो मेजर पोर्शन है सिलेबस के अंतर्गत, उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं और सबसे पहले समझते हैं जीएस फर्स्ट का जो है हमारा सिलेबस है वो क्या क्या है। तो जीएस फर्स्ट में जो है आपका, देखिए, कला एवं संस्कृति और जनजातीय आंदोलन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत एवं किसान आंदोलन से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं बिहार प्लस शिक्षा एवं प्रेस से संबंधित जो है आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये क्वेश्चन जो भी आते हैं सब खंड फर्स्ट में आते हैं और हिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो इस पे हम लोग जो है कि एक बार चर्चा कर लें, ठीक है। कला एवं संस्कृति में आप लोग जानते हैं मौर्यन आर्ट को आप लोगों को पढ़ना है, उसके अलावा जो है पाल कला को पढ़ना है, और पाल कला के अलावा जो है आपका पटना कलम चित्र शैली को पढ़ना है। उसके अलावा जनजातीय में जो है कि आपका बिरसा आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है, और उसके अलावा संथाल जो विद्रोह है उस पर जो है कि आपको चर्चा करनी है। तो उस पर भी हम जो है कि आपके लिए चर्चा लेकर आएंगे टॉपिक वाइज, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो खंड सेकंड है उसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अगर मैं बात करूँ तो भारत एवं नेपाल के मध्य जो रिलेशन है, यानी कि भारत प्रथम पड़ोसी की नीति जो आती है उस पर हम लोग एक चर्चा करेंगे, यानी कि भारत और नेपाल के मध्य जो संबंध है उस पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में आप लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस से श्रीलंका गुजर रहा है, और उस पर जो है कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर भारत का विदेश नीति क्या है उस पर भी, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया उस पर हम लोग एक बार चर्चा करेंगे। फिर I2U2 पे हम लोग चर्चा करेंगे कि जो न्यू क्वाड इसको कहा जा रहा है एक तरीके से, तो इस पे भी हम लोग एक बार चर्चा करेंगे। I2U2 का मतलब होता है इंडिया और इसराइल और UAE और सऊदी अरब की अगर मैं बात करूं तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके अलावा G20 की अगर मैं बात करूं तो G20 शिखर सम्मेलन जो अभी सबमिट हुआ है उस पे भी चर्चा करेंगे। फिर वनाग्नि के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो है आपका बिम्सटेक की अगर मैं बात करूं और आसियान की मैं बात करूं उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जो आप लोगों को समय समय पर हम लोग बताते रहेंगे और अपडेट देते रहेंगे। अगर कुछ नया उसमें ऐड होता है उसको भी हम आपको बताते रहेंगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ, देखिए, अब यहाँ पे जो भारत प्रथम पड़ोसी की नीति है उसमें सारे आ जाते हैं, भारत नेपाल के संबंध, भारत बांग्लादेश के साथ संबंध, भारत चाइना के साथ संबंध, भारत और भूटान के साथ संबंध, भारत जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध क्या है, भारत की प्रथम जो है अफगानिस्तान में जो है कि सत्ता पलट जब हुई है तो उस पर भी हम लोग एक टिप्पणी लिखेंगे, उस पर भी देखेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। खंड थर्ड की अगर मैं बात करूं तो DI आप लोग जानते हैं, अगर बिहार के आप हैं तो मैथ तो आपका मजबूत होता ही होगा। तो आप लोग DI में जो है कि दो क्वेश्चन जो है कि पूछा जाता है जिसमें बार ग्राफ आ जाएगा, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि बार ग्राफ आता है। इसके अलावा और भी जो है कि क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं उस पर भी हम एक बार चर्चा कर लेंगे। अब आते हैं जो GS सेकंड है हमारा, GS सेकंड पे हम लोग एक बार चर्चा करते हैं कि इसमें क्या है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जैसे अगर मैं बात करूं प्रस्तावना हम लोग देखेंगे जिसको उद्देशिका बोलते हैं, और उद्देशिका उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर फंडामेंटल ड्यूटी जो मौलिक कर्तव्य हैं उस पर भी, और DPSP का मतलब होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इसी पे राष्ट्रीय एवं प्रांतीय कार्यपालिका जिसमें हम बात करेंगे जो है कि मुख्यमंत्री गवर्नर की बात करेंगे, उसके अलावा राष्ट्रपति की बात करेंगे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उस पे भी हम चर्चा करेंगे कि जो है कि सेंट्रल के पास कितने पावर्स हैं, राज्य के पास क्या क्या पावर्स हैं, उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर स्थानीय स्वशासन एवं न्यायपालिका, यानी कि जो स्थानीय स्वशासन है हमारा जैसे पंचायती राज व्यवस्था, उस पर चर्चा करेंगे। फिर ज्यूडिशरी पे हम लोग चर्चा करेंगे एक बार। फिर इलेक्शन कमीशन पे चर्चा करेंगे, जो निर्वाचन आयोग है उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये हमारा जो है कि पोर्शन जो है कि खंड फर्स्ट का हो गया, खंड फर्स्ट का ये पोर्शन है और इस पर हम लोग ये चर्चा किए।
इसके अलावा खंड सेकंड की अगर मैं बात करूं, जिसमें हम लोग जियोग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स प्लस सीए करंट अफेयर, ये तीनों को मिलाकर जो है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें कृषि उद्योग की बात करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जनसंख्या के बारे में बात करेंगे, निर्धनता के बारे में बात करेंगे, मानव पूंजी के बारे में बात करेंगे, मानसून के बारे में बात करेंगे, वन के बारे में बात करेंगे, मिट्टी के बारे में बात करेंगे, फिर जो है डिजास्टर के बारे में, जो आपदाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, अर्थक्वेक के बारे में चर्चा करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है कि हम इसमें बात करेंगे, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और प्लस करंट अफेयर, और विशेष करके बिहार के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे थर्ड जो हमारा सेक्शन आ रहा था, जो मैंने आप लोगों को बताया, साइंस एंड टेक प्लस करंट अफेयर, तो मैं यहाँ पे लिख दूं आपको कि साइंस एंड टेक प्लस सीए, ये तीनों पोर्शन का सम्मिलित रूप जो है कि खंड सेकंड में आता है, थर्ड में आता है, जहाँ पे पर्यावरण और ऊर्जा के बारे में हम लोग बात करेंगे, जहाँ रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, प्राकृतिक संकट जो है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि प्राकृतिक संकट जो है हमारे क्या क्या है, अर्थक्वेक है, ज्वालामुखी है, ये सब जो है कि यहाँ से जो उत्पन्न होते हैं संकट, उस पर चर्चा करेंगे। फिर बाढ़ की समस्या जो बिहार के रेफरेंस में देखेंगे। डिफेंस एंड बायोटेक की अगर मैं बात करूं, तो वर्तमान में जो डिफेंस अगर डीआरडीओ के द्वारा या इसरो के द्वारा कोई अगर किया जा रहा है तो उस पर चर्चा करेंगे। फिर बायोटेक मतलब जो जैव प्रौद्योगिकी है उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सारे जो पोर्शन हमारे आ रहे हैं वो थर्ड में आ रहे हैं, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यही मेजर हमारा पार्ट है जहां से हमारा क्वेश्चन जो है पेपर में बनता है। इसके अलावा अगर कुछ और होता है तो मैं उस पर भी चर्चा करूंगा कि और क्या क्या है, अगर करंट के साथ कुछ बदलाव होता है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 67वीं बिहार लोक सेवा आयोग का जो है कि आपको सिलेबस पूरा समझ में आया होगा। अब आगे जो मैं चर्चा करूंगा, एक एक टॉपिक को उठाऊंगा और जो मेन पोर्शन है उस पर एक बार चर्चा करेंगे, डिबेट कर लेंगे आप लोगों से, ताकि आपका क्वेश्चन बेहतर हो सके और आप परीक्षा में अपना उत्तीर्णांक जो है कि दर्ज करा सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, खुशहाल रहिए और जो है अपने पेपर की तैयारी करते रहिए।